हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट कंप्यूटर है, पूरा आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक ही वीडियो में हम पूरा इसको ख़त्म भी कर देंगे, तो केवल और केवल आप इसका रिवीजन एक बार अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है? और आप इसको नोट्स बना लो और डेली रिवाइज़ करते रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है और हम जल्दी जल्दी जितने भी प्रश्न हैं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स वेबर्स को कहा जाता है। दूसरा आपका प्रश्न है कि प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा है, तो वह है अबेकस। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया था, तो पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेक पास्कल ने सन 1942 ईस्वी में पास्कल लाइन का निर्माण किया था। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एवं मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है, तो कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला तो है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई, तो कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 ईस्वी में चार्ल्स वेबर्स ने की थी। कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों से बना होता है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे एनियक, ठीक है, एडुडेक, एडी सैक, ये सब कुछ हो जाते हैं, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट एनियक होता है, तो एक आप बस याद कर लेना। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है एवं उनको एकत्रित करके तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। इनपुट डिवाइस किससे कहते हैं, कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए, तो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं, तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट किसे कहते हैं, और आप देख लेना इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा गाइज। तो आउटपुट किसे कहते हैं, यह वह क्रिया है जो प्रयोक्ता मतलब यूजर्स होता है, ठीक है, जो यूजर्स को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं उन्हें माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है, और यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है, तो मेमोरी क्षमता मापने की इकाई किलो वाट है। बाइनरी प्रणाली क्या है, कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंकों का अर्थात जीरो एवं एक का ही प्रयोग होता है, इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। बिट क्या है, तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है। बाइट किसे कहते हैं, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। ALU क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना, इसे हम ALU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके रिवीजन के क्वेश्चन हैं। मोडेम क्या है, यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा को आदान प्रदान किया जाता है, उसे मोडेम कहते हैं।
सीपीयू क्या है? यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट जो होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम। नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है, उसे हम सर्वर कहते हैं। ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित। अगला आपका प्रश्न है कि URL का पूरा नाम क्या है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है उसे हम ईमेल अकाउंट कहते हैं। मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? तो मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। डेस्कटॉप क्या है? यह कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो आपका कीबोर्ड माउस स्कैनर। आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष ये फिर से आपके वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगला आपका यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है कि फैक्स को समझाइए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फैक्स क्या होता है। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से बना है। फैक्स का अर्थ होता है बनाना तथा सिमिली का अर्थ होता है उसी के समान। अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है, उसे हम फैक्स कहते हैं। इंटरनेट क्या है? तो यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है नामक वेब ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। इसके द्वारा आप इंटरनेट में फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 से जारी व चालू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। 1999 से बहुप्रचलित ये ब्राउजर 2002 से 3 के बीच में प्रयोग का 95% श्रेय लेता रहा है। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE8 है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम किसने की थी? तो वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज की थी वह की थी सर टी बर्नर्स-ली ने, जो कि बहुत ही IEBA प्रश्न है। ईमेल क्या है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया? डॉक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हस्तांतरित करना ईमेल होता है। लैन विस्तृत रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का विस्तृत रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो FTP का जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गूगल की खोज किसने की थी? तो गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर गे ब्रिन ने की थी। विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? विंडोज़ 3.1। कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? तो मोडेम की सहायता से वो कार्य करता है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लैन वैन मैन। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? .in को जोड़ते हैं। कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे CD-ROM, पेन ड्राइव etc। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? वर्ष 1957 में सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। रोम क्या है? रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें मतलब हम परिवर्तित नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं, नाम से ही पता चलता है।
रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। वेब ब्राउजर के नाम बताइए, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर अपराध के तीन प्रकार बताइए, साइबर धोखाधड़ी, डाटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री की हेरा फेरी। कंप्यूटर के कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? प्रोसेसर पर। सॉफ्टवेयर का कार्य है तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने के लिए सक्षम करते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डेस्कटॉप आइकन्स क्या है? जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट मेन्यू बटन होता है जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन ऑफ करने के काम में आता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किया जाते हैं। हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट या इससे अधिक होती है। प्राथमिक मेमोरी क्या है? इसमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं, उसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए, स्टार राइटर, वर्ड्स स्टार, एमएस वर्ड। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? कंप्यूटर के विशिष्ट गुण सस्ता, भावनाहीन, असूचनाहीन, विहीन और गति आदि। HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एमएस वर्ड के जनक कौन है? तो एमएस वर्ड के जनक विलियम हैबरी गेट्स थॉर्ड थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? किन्हीं दो का नाम बताइए। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन कार्यरत हैं, जिनमें प्रमुख है गूगल, याहू, EDC। किन्हीं पांच उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम बताइए। बेसिक, कोबाल, सी, C++, पास्कल। चैटिंग के प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले दो सॉफ्टवेयरों तो चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले दो सॉफ्टवेयर है MSN, याहू मैसेंजर। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस वायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि 30 दिन की होती है। कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम से लिखिए। तो फाइल संबंधी वायरस निम्न है, 648 वायरस, रेड ड्रॉप वायरस, ले लॉर्ड वायरस, ट्रोजन आदि। डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। तो डाटा की सुरक्षा के चरण निम्न प्रकार के हैं। पहला तो डाटा की कॉपियों रखना, दूसरा डाटा को लॉक रखना, तीसरा कंट्रोल योग रखना और चौथा डाटा का नियमित डंप लेना। MS Outlook क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में MS Outlook 2010 के रूप में कार्यान्वित है। कंप्यूटर प्रणाली का हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, उसका नाम बताइए। तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग दो मुख्य रूपों में कार्य किया जाता है। पहला तो गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज को इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए। वर्तमान में पैकेजेस के कितने प्रकार कार्यशील है? तो वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यशील है। पहला तो है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है प्रेजेंटेशन पैकेज, तीसरा है वर्कशीट पैकेज और चौथा है डाटाबेस पैकेज। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत अग्र चार प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और MS Access। वर्कशीट किसे कहते हैं? टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहते हैं। कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 ईस्वी में हुआ था। याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। तो यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को इसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसे प्रायोगिक URI
मतलब ये लिंक दिया है। विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट निर्मित एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप के संग्रह, संचिकाएं देखने सुनने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है, जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए निर्मित है। मल्टीमीडिया क्या है? लिखिए, मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु, विविध, मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। अर्थात मल्टीमीडिया अर्थ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। तो ट्विटर जो कि सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत बहुप्रचलित सेवा है, इसके द्वारा भी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबद्ध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम के से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पहलू पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत ही आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। किसी सॉफ्टवेयर के इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है, और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उस पर क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट क्या है? एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। वर्कशीट पैकेज क्या है? इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकत्रित करने में किया जाता है। एमएस आउटलुक क्या है? लिखिए, एमएस आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह पेश किया गया एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है, जो भी विभिन्न दो रूपों में है। पहला तो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में, दूसरा होता है एक अलग अनुप्रयोग के समान में। एमएस आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। इसे एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग एक एमएस एक्सचेंज सर्वर तथा एमएस शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। एमएस एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड्स कौन कौन सी है? पहला तो है टाइटल बार, फाइल टैब, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो, नेम बॉक्स, जूम स्लाइडर, क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका एमएस एक्सेल विंडो के कमांड्स होते हैं। एमएस एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या है? तो एमएस एक्सेल के प्रमुख उपयोग संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना, सूचियों का प्रबंध। एमएस एक्सेल एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? 16384। एमएस वर्ड के जनक कौन है? तो एमएस वर्ड के जनक विलियम हेवरे गेट्स थर्ड है। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली प्रयोग ढंग से किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो एमएस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस क्या होता है? लिखिए, डेटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करके उनका प्रबंधन करें एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे हम DBMS भी कहते हैं। IPO का पूरा नाम क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश तथा विश्व किसी भी कोने तक फैला होता है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण प्रिंटर्स में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर सूचनाएँ खोलता है एवं वेब पेज को प्रदर्शित करता है, उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। आइकन क्या होता है? आइकन तो
विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होते हैं उन्हें दर्शाने वाली जैसे कोई भी आपका ऐप होता है उसे हम आइकन बोलते हैं। माय नेटवर्क पैलेस क्या होता है? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। MS वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों की तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पीस पैकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में संबंध रखता है? तो एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाता है? तो आइकन के द्वारा। कंप्यूटर करती है, ये कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करता है और ये कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है, इन्हें पढ़ता है, फिर उन्हें एक सिंगल्स की सीरीज में बदल देता है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम शुरू कर सके। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? ये कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रह क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश का समूह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आता है, उसे हम वेबसाइट में होम पेज का अर्थ उसे कहते हैं। प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? प्राचीन समय में गणना के लिए अबेकस का यूज किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS Excel में किया जाता है। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो एनालिटिकल इंजन का। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में आंकड़े एवं निर्देश प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किससे नापी जाती है? तो कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज में होती है। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण है। वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। नोटपैड क्या है? यह एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है जो नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम टेक्स्ट होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित करती है और नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर सामान्य कार्यालयों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप PC होते हैं। डेस्कटॉप PC का निर्माण करने वाली बाजार में अनेक कंपनियां हैं, इसमें IBM ये सब कुछ मतलब आता है। ठीक है, तो आपको इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप केवल जैसे कि यहाँ तक है तो अनेक कंपनियां हैं और बस 2 से 3 लाइन क्योंकि आपका अति लघु है तो इतना ज़्यादा लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। MS PowerPoint कैसा सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने देखा प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट एरिया विंडो का सबसे बड़ा भाग वर्कशीट एरिया है। डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है। सभी सेल्स वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आती है। स्पैम किसे कहते हैं? यह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल जिसमें स्पैम कहा जाता है, ठीक है, जिसे स्पैम कहा जाता है। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि बहुत के लिए हमने एक वीडियो में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बार बार अगर आप वीडियो देखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट एक ही वीडियो में अगर आप सात जगह पर अच्छे से पढ़ोगे तो आसानी के साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।